चेरर को बुलाओ, चेरर इधर आ जाओ, पी कर लो अगर करना है तो। चेरर अपने पी करना कर लो जल्दी से, फिर जाना है, घर जाना है। अच्छा शाबाश, पी करो, पी कर लो चेरर, पी कर लो जल्दी से। ओ रेस ना यार, नंगे पैर। अब इसने इतना मौका नहीं दिया कि मैं शूज पहनाऊं। चेरर आ जाओ जल्दी से, आओ जायरा के पास आ जाओ। जायरा चलो चेरर को पकड़ो, जायरा चेरर को पकड़ो, चलो भागो, चेरर को पकड़ो, चेरर को पकड़ो, चेरर को पकड़ो। वाह भाई चेरर, रुक जाओ, चेरर सेट, चेरर सेट, चेरर सेट, आ जाओ भाई। चेरर ही डर गया, चेरर इधर आओ। वाह तू ही अंगड़े शिकड़े ले ला, चलो वाक पे लेके निकले इसको। हमने कहा पार्क इसको भी घुमाए, इसको फ्रीडम मिली है तो अब बस भागता फिर रहा। चेडर खुश हो? चेडर चेडर वो तो इतना वाक जितना कि अनारकली बाजार से आ गया। खाते नसला थोड़ा, चलो रन खुश खुश हो गया बंदे। आज दिन भी अच्छा, आज जायरा की डेके नहीं, आज चैडर की डेके। चलो भागो, पकड़ो पकड़ो, रेस लगाओ, रेस लगाओ, ना दम है ना, क्यों नहीं रेस रेस है, भागेंगे तो भागेगा ना। आ जाओ चैडर, कम भागो भागो भागो, जाओ जायरा जाओ, बेइज्जती करा वो मेरे साथ जा रहे हैं। चेर कम याद है यहाँ पे उजैर ने प्रैंक किया था आपके साथ? हाँ हाँ, वो जब इसको घुमा दिया हम सारे ढूंढते फिर रहे थे। हाँ, अच्छा उन इनो की बीमारी में, अच्छा तुम मेरे कैमरा मेरे ना नहीं नादा तो देखें ये तेरे ना की कोई खास लगाओ है। चल चल ओले बस, और मेरे ना जानता ही कोई नहीं है ना, मुतासब मेरे ना तो बिल्कुल हिलता ही कोई नहीं है ना। अब ये करी फिर ट्राई कर लेंगे। नहीं वो थक गया बेचारा, थक गया कहाँ से गया। चलो चलो आजा मेरे साथ भागो, चलो जाओ चलो आजा, कम चलो को पकड़ पकड़ पकड़, ओ इधर नु भागा, चलो भागे रन 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 रन। चौके चौके चौके, हम इसकी लीश भी लाए हैं वॉक करने के लिए, ये मेरा पकड़ी नाथ वाला। बड़ी घटिया चीज, मेरे पीछे नहीं ना था। चलो इसकी लीश लगाओ वॉक करें। नहीं तो लीश ऐसे वॉक कर रहा, वो बेचारा कहाँ जा रहा है? तो नहीं, नहीं कुछ नहीं होता ये, इतना भी नहीं डरो तुम, इतने कौन सा दूर चले जाना, ये तो हमारे पास हमें तो छोड़ता ही नहीं है वो। ये उसको होता कि कोई लोग आ रहे हो इसलिए लीश जरूरी कि उनकी तरफ ना जाए, कई लोग पसंद करते हैं कई नहीं, तो अभी तो कोई भी नहीं है ना, ये पार्क के अंदर ही ठीक है, वाकफे पे जरूरी जाना है। चलो वॉक कर, हाँ मतलब सिटिंग एरिया देखो बनाया ताकि जो आके बैठना चाहे बैठे, गपशप करे। असल में मैंने पता नहीं पहले नहीं देखा, ये शायद बाद में ही बनाया इन्होंने ये सारा। अच्छा वालेकुम सलाम, शुरू कर लिया चेहरा, आ जाओ वापस आ जाओ, आ जाओ बच्चे को। मैं कहा देखो ये फायदा होता है बच्चे जब बड़े हो जाते, ये उजैर का एक और भी है ऐसे ना, हाई क्वालिटी हाई क्लास और इतना ज़बरदस्त। आज मेरे पहले दिन पहना, उजैर भी चलो देख लेगा और दूसरा जोड़ा कल पहनूंगा, तीन चार दिए उसे। हाँ उसने दिए हैं क्योंकि चेहरे 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 कल शायद एक आध दफ़ा उसने पहने हों। हाँ कल ये सारे ले लो, मैंने कहा चलो ये मेरे ख्याल वाटर है, ये वाटर पानी का है। अच्छा यहाँ से पानी आएगा सर गर्मी में? हाँ, उसमें जाके ट्रेनों के छोटे बच्चे जरा उनके लिए ज्यादा है। हाँ ये फैमिली सिटिंग के लिए बनाया है, वेरी नाइस। ना दे पानी आन के ना शावर इतो स्प्रे निकलेगा, नाइस। या बहुत ज्यादा जब गर्म हीट होती है ना तो वो जैसे थोड़ा फुहार बन के गिरता है, या वो होगा
या बच्चों के खेलने जायरा को लेके आएंगे यहाँ पे। मैंने तो देखा ये भी है ना जायरा को तो बना सो। हाँ अभी बना है, पहले नहीं था, पहले नहीं था। ये अब कोविड वगैरह में हुआ है सब कुछ। छाते इन्होंने खूब बनाए, छाते इन्होंने खूब बनाए। हम चले जी, चलते चलते आसवा रमजान को भी अलविदा कह दें। आज लगता हो सकता कि आज लास्ट आखिरी रोजा हो, 29वां है, पॉसिबिलिटी है कि भी आज भी, वरना तो कल आखिरी हो जाएगा। तो बस अल्लाह इबादत कबूल करे लोगों की, और कोशिश ये करें, सबसे पहले मैं अपने आप को ही कहूँगा कि जैसे रमज़ान ख़त्म हो तो भी कोशिश करें इसी पैटर्न पे चलने की। अभी नॉर्मली घर में बैठा होता बंदा, जैसे कस कहते हैं ना गुस्से में बात, तो उसी वक्त सामने आ रहा फ़ोन करता रोज़ा रमज़ान में, ये तो ये प्रैक्टिस आप बाद में भी ये करो। और अब आसपास हंस पड़ेगी क्योंकि ये ज्यादा मेरी आदत है थोड़ी, जो ज्यादा मैं गुस्से में बात करना, मैं तो पूरे रोजे में बोलती रही हूं ताकि मुंह से कुछ निकले नहीं। तू दोस्तों में नहीं बोलती ना, तेरे तो मुंह दंदल पई है, तेरी तो जुबान जड़ी अंदर ताड़ू ना लगे, तू तो बोलती नहीं, लोगों के सामने नहीं बोलती, मतलब मुझे जो बोलती हो तो मुझसे पूछो ना। सो अल्लाह करे, अल्लाह इबादत कबूल करे सबकी। और बाकी जो है अब थोड़ा सा चलो वो अब पॉलिटिकल बन जाता है, लेकिन बीइंग ए मुस्लिम ये कुछ भी है, ये जो वाकया जैसे सऊदीया में जो हुआ ना, देखिए वो जगह ऐसी है, बड़े बड़े कातिल लोग जो है वो भी जाते हैं, और बिलीव यकीन हमारा यही है कि अल्लाह बंदा माफ़ करता है, गुनाहगार को माफ़ कर देता है, उसके चाहे उसने कितना गबन किया हो अल्लाह माफ़ कर देता है, कितनी चोरियाँ की हों। अब जैसे अब इनके लिए इनके ऊपर ये दाग है धब्बा है, तो ये बंदों का काम नहीं है, अल्लाह के घर में मस्जिद नबवी, लेकिन ये भी मुझे जो पता चला कहते हैं नबवी मस्जिद नबवी के अंदर नहीं था, ये बाहर से जब जा रहे होते हैं, देखो मैं वहाँ नहीं हूँ, मैं तो ये मीडिया से ही जो चीज़ें देखी, लेकिन मैं स्टिल कहता हूँ तमाम लोगों से बींग ए मुस्लिम, वो तो अमन और उसकी जिसकी शांति की और प्यार की और उसकी जगह है, इसमें कोई हूटिंग किसी को भी, मैं कहता हूँ कि फेवर के लिए भी नहीं जा रहा, बंद हम कहें कि इमरान खान जिंदाबाद वहाँ वो जा रहा, उसने उमरा करना है और हम लोग जो है वो डिस्टर्ब करें और ये नारे लगाते फिरें, ये मुनासिब बात नहीं है। किधर गया सर? हाँ खैर, 2 मिनट खड़ी हो, चलते हैं। तो ये इन चीज़ों से बंदे को अवॉइड करना चाहिए, अच्छे मुस्लिम बनने की कोशिश करें, और ख़ास तौर पर ये जो जगहें हैं हमारी जहाँ बिल्कुल अमन और वो होना चाहिए, चाहे वो इवन ऐसे भी जैसे हमने सुना है कि भी बड़े बड़े फैमिलियों के जो कत्ल तक हुए हुए वहाँ पहुँच के वो फिर वहाँ रखते हैं, एक जिरगा कह लें या वैसे अंडरस्टैंडिंग कह लें या बातचीत कह लें, एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं भी, चलो कोई मैंने खून बहा नहीं लेना, कुछ वो नहीं लेना, बस मैंने माफ़ किया क्योंकि अल्लाह के घर में बैठे हैं, मस्जिद नबवी में बैठे हैं। सो इन चीज़ों को थोड़ा सा आप लोग एहतियात करें, ख़ास तौर पर फिर मैं ये कहूँगा कि ये एक पार्टी की एक नहीं है, दोनों ही एक दूसरे को, चाहे दूसरे ग्रुप है वो उसके लिए नारे लगाता वो उसके, ये वहाँ नारे लगाने की जगह नहीं है, उससे हट के बाहर कहीं मिले वो एक अलग चीज़ है, आप इनके चाहे वो पीटीआई वाले इनके ख़िलाफ़ लगाने लगाओ चाहे दूसरे ये उनके ख़िलाफ़ लगाएं, लेकिन ऐसे मुकद्दस जगहों पर ये काम बनता नहीं है। बेशक, और इतनी मुबारक दिनों और रातों में, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत सारे लोग वहाँ से भी वॉच कर रहे होंगे, तो अगर आप वहाँ पर मौजूद हैं तो हमारे लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा, आप लोग सब हमारी दुआओं में शामिल हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर ज़िंदगी रही तो हम भी आखिरी रातें वहाँ पे अल्लाह ने चाहा तो इसे। तो ये चीज़ें चलो भैया मैसेज मैं इन्हें दे दिया सबके लिए, बीइंग स्पेशली ज़ाहिर है वहाँ मुस्लिम्स ही जाते हैं उन्हीं के लिए, ये तो हमारे नबी का फरमान है बीइंग मुस्लिम, कि आपने माफ़ और दरगुजर करना है, प्यार से मीठे जबान से बोलना है, प्यार से बात करनी है, तो ये नारे लगाना ओए चोर ओए चोर ओए चोर ये मुनासिब नहीं है, ये पाकिस्तान में कहें करें, मुझे भी शामिल कर लें, अगर मैं कहें कि मैं भी चलो बोल लूँगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं इस बात को बोलने से मैं डर जाऊँगा या मैं नहीं बोलूँगा, आप हक का साथ दें जो आपको हक लगता है, लेकिन हक का साथ ये नहीं कि मस्जिद नबवी के अहाते में। अब लोग कह रहे हैं जी मस्जिद नबवी के अंदर नहीं था आसवा, मैं कहता हूँ बेशक अंदर नहीं भी है, अब बाहर भी अवॉइड करें, और वो ख़ास तौर पर मैं आपको ये बता दूँ कि ये उनका जो भी रोल रहा, तुम्हें नहीं आसवा पता होगा, वो अपना जैन बुगटी के अकबर बुगटी के जो साहबजादे हैं, एक ज़माने में अकबर बुगटी बड़े मेरे फेवरेट उसमें लीडरों में से रहे हैं, बड़ा दबिंग वो लीडर था, अच्छा इंसान था उसके बेटे। अब या आप ये सोचें कि यार उसके अंदर आप ऐसी पाकिदा जगहों पे किसी एक बंदे ने वो वीडियो बार बार देखा, उसके बाल पकड़ के खींचे, तो क्या किस वो उसका किरदार जो मर्जी हो, कितने उसने चोरियाँ की हों, कितने लोगों को मारी, ये आपका काम नहीं है। अब ऐसी ऐसी जगह पर
इसका मतलब है कि दो बंदे हैं, अगर उन दोनों के एक दूसरे के कोई राज हैं एक दूसरे के, उसको पता है ये बंदा बड़ा जुल्म करता था पाकिस्तान में, वो उमरे के लिए गया, इत्तफाक है आप भी उसी गली से थे, आप भी अब वहाँ जाके आप उसको जलील करें, वो तो गया इस काम के लिए। तो ये खुदा के लिए इन चीज़ों को बढ़ावा ना दें, मेहरबानी करें, ये इसका एहतियात करें। तमाम लोगों को मेरा ये मैसेज है, मेरी वैसे क्या हैसियत है कि मैं ये पैगाम दूँ, लेकिन दिल बड़ा दुखा इस बात के लिए कि ये, और आसफा भी ख़ास तौर पर, जब इसने कहा बोला देखो ये होना नहीं चाहिए था, हम भी सपोर्ट करते हैं, पीटीआई को करते हैं, ओपनली करते हैं, दुनिया को पता, लेकिन इसका मतलब आज भी मैं कहता हूँ अगर हम उमरे के लिए जाएं, हज के लिए जाएं, वहाँ कोई भी पीटीआई का कोई उसका दो अपोजिशन का कोई बंदा मिले, इज्जत से मिलाएंगे, इज्जत से हाथ मिलाएंगे, ये नहीं करेंगे। ये कुछ दे रही है ना कुछ भी नहीं, हम तो राइट राइट चीज का साथ दे रहे हैं, ये इसमें हम किसी उस चीज पार्टी का साथ नहीं दे रहे, हम सिर्फ मुल्क के लिए आपने करना है ना, आप अगर समझते हो मुल्क के लिए ये चीज अच्छी है। देखो मोटरसाइकिल सीख रहे हैं, मैं एक मिनट चले बात को एंड करते हैं, मैंने उसामा उज़ैर लाइबा को भी मोटरसाइकिल सिखानी है यहाँ ला के, तो मैं वो थोड़ा सा आपको दिखाऊं। तो आप एहतियात करें खुदा के लिए, ऐसी जगहों पे तो इस किस्म के बिल्कुल नहीं करना चाहिए आप लोग। लेकिन आसफा ये भी मतलब ट्रेनिंग का उसका हिस्सा, मैं कहता हूँ लाइबा और उज़ैर को ये एक आध दिन में जाके इनकी मोटरसाइकिल में लेकर आता हूँ और ला के इनको यहाँ इन्हीं को यही दोनों को सिखाता हूँ। चेहरा काम आ जा तू उसे बड़े से शेर मार देने, आ जा वापस आ जा। तो ये प्रैक्टिस कर रहे हैं क्योंकि आज हाफ डे है, वहाँ टोरंटो में तो कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ बंदा वो प्रैक्टिस करे। चलो बस आ जा तू बोते हम शो ना मार, ले 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 इन्हों को जोश आ गया। अच्छा इन्हों दूसरा डॉगी इसको उसकी आवाज़ आई है ना, ले उन्हों किन्नी छेती है गड्डी जाके बैठ दी तेरे आले पास दी देख जान दिया। यू गो होम, चलो घर जाना, चलो चलो घर चले, घर चले दे, तेरे आले पासे नहीं होंडे, उन्हें पता भी इधर चाचे ने बहना खुली कि नहीं अनलॉक। ले इन्हू देख लो, चल तू गड्डी चला ला, आ जा इधर, आ जा मेरे मेरी सीट पे आ जा, बस बैठो सेट सेट सेट। हूं तेन तो कुछ करने नहीं देन दे, बहन तो दे, चलो कम यार चलो कम यार इस, हूं तू बह जा जल्दी ना आसपास, तो ता ही तो वो जगह बनेगी ना।